राज्य में नमामि गंगे परियोजना से जुड़े कार्यों की समीक्षा के लिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने राज्य परियोजना प्रबंधन समूह के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सुक्रो मालन और खो नदी में गिरने वाले नालों की टैपिंग किए जाने के लिए कार्य योजना बनाने की बात कही। उन्होंने कहा, अब जब सहायक नदियों पर भी केंद्र सरकार नमामि गंगे योजना के तहत कार्य कर रही है, तो कोटद्वार में भी सहायक नदियों पर रिवर फ्रंट घाटों का निर्माण, बाढ़ सुरक्षा योजना, नालों की टैपिंग के लिए 15 दिन के अंतर्गत कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश की सीमा पर बने एसटीपी प्लांट का निरीक्षण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस एसटीपी प्लांट का निरीक्षण कर कोटद्वार शहर के नालों को इससे जोड़ने की भी तैयारी कार्य योजना की जाए, जिससे शहर की सीवर की समस्या का समाधान हो सके। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नमामि गंगे योजना के अंतर्गत छोटे शहरों और कस्बों पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ शहरों में एसटीपी प्लांट नहीं है। बैठक में गौमुख से लेकर हरिद्वार तक गंगा किनारे के 15 शहरों एवं रामनगर की कोसी नदी में सीवरेज शोधन संयंत्र व नालों की टैपिंग से जुड़े कार्यों की विस्तार से जानकारी ली गई। साथ ही नई योजनाओं के संबंध में भी अधिकारियों के साथ विमर्श किया गया। MKN न्यूज से डेस्क रिपोर्ट। नमामि गंगे और SPMG जो कि स्टेट बॉडी है नमामि गंगे की, उनके अफसरों के साथ बैठक हुई। कुछ अफसर दिल्ली से आए थे और कुछ हमारे यहाँ शासन के अफसर थे। पूरा समझने की कोशिश की गई, मैंने की कि नमामि गंगे प्रदेश में किस तरह का कार्य कर रहा है और ख़ास तौर पर कोटद्वार में हम किस तरह से नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उसके तहत कोटद्वार में कार्य कर सकते हैं।